किसान भाइयों, मैसी छोटा सा ट्रैक्टर है, 10-35 DI शक्ति, और अपने काम के लिए बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। तो घर तो पहले वो काम भी यही करा है जी। हाँ जी, पहले की जुताई यही करा है। 12 के टायर हैं, वैसे यही साइज सही है। कोई दिक्कत तो नहीं ट्रैक्टर में? ना, बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, हाँ जी हाँ जी, छोटे का काम, बैलों का काम, ट्रैक्टर का काम, सारे काम इससे ही करते हो? हाँ जी हाँ। कोई इससे पेंडा तो नहीं पड़ता? नहीं, ठीक है। चलो देखो, बुजुर्ग आदमी हैं, कितना बढ़िया ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में। पूरी गन्ने की जुताई इससे ही करते हैं ये। 12 के टायर हैं, 2-4 पोवे तो टूटते ही हैं। ये देखिए कितना सेट इनका टीलर है, एक भी पेंडा नहीं पट रहा, और जो एक आध पटेगा भी तो इतने बड़े खेत में एक दो से क्या हो रहा है। उसे बाद में फावड़ा लेके दाब दें। और देखिए बिल्कुल सही जा रहा है। ये वो है पिछला हिस्सा भारी ट्रैक्टर का, 18 कुंटल वाला। देखिए कितने शानदार खूड़ आ रहे हैं, और इसे अब ठेकेदार से खुदाई करवा देंगे, छुट्टी, काम निमट गया। और जैसे ही मौका मिलेगा, थोड़ा सा सेटिंग इसकी गलत हो रही है, कई बार लिफ्ट हल जाती है। किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। देखिए ये 2-4 ही पोगे टूटते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये तो बैल से भी टूट जाते हैं, लेकिन मजबूरी क्या करें, लड़के नौकरी पे हैं या कुछ और का धंधा कर रहे हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें ही खेती करनी पड़ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा लड़के मेरे ही खेती में रह गए और के सबके नौकरी पर चले गए, लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे आने वाली पीढ़ी भी खेती ही करेगी, और मुझे गर्व है इस बात का, क्योंकि ज़्यादातर किसान अपने बच्चों को खेती से दूर निकाल रहा है, घाटे का सौदा हो गया है। लेकिन हम हैं कि घाटे के सौदे में भी अभी लगे हुए हैं। या तो ये मान लीजिए हमारी सोच छोटी है, या पता नहीं, राम जाने। दोस्तों बात अच्छी लगी है तो लाइक करना। नमस्कार। देखिए कितने सुंदर खूड़ आ रहे हैं, कोई पेंडा नहीं पटा दिखाई दे रहा। दोस्तों मेरा एक चैनल किसान की सोच भी है, कृपया आप उसे भी कभी कभी देख लिया करें।